नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों के बीच में खटास को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं और इसे दूर करने का भी बहुत ज़्यादा प्रयास आपको करते हुए नज़र नहीं आते होंगे जदयू और भाजपा के लोग। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसे नेता भी हैं जो कभी सेतु का काम कर जाते हैं। आपको याद होगा कि 2015 में जब भारतीय जनता पार्टी बिहार की सत्ता से बेदखल हो गई थी तब क्या कुछ हुआ था। सुशील मोदी बाहर निकले थे और महागठबंधन की सरकार को 2 साल से भी पहले समाप्त कर दिया। कहा जाता था कि ये भारतीय जनता पार्टी के हनुमान हैं, लेकिन इस बार सुशील मोदी के प्रयास भले ही हो लेकिन सफलता मिलती नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि नीतीश कुमार और सुशील मोदी का जो एक पुराना गठजोड़ था, पुरानी दोस्ती थी, वो कहीं ना कहीं दूरियाँ के साथ अब समाप्त होती नज़र आ रही है। सुशील मोदी को भी इस बात का दर्द है कि नीतीश कुमार ने उन्हें दिल्ली जाने से क्यों नहीं रोका, और नीतीश कुमार को भी अब लगता है कि सुशील मोदी उतने प्रासंगिक नहीं रह गए हैं, एक्सपोज हो गए हैं। खैर, इन सब बातों की चर्चा के आगे की चर्चा हम करते हैं। आपको पता होगा कि जब नीति आयोग की रिपोर्ट आई उसके बाद से नीतीश कुमार पर हमले तेज हो गए। विपक्ष ने तो हमले किए ही, इसके साथ साथ कई साथियों ने भी नीतीश कुमार को भले ही बताया अच्छे व्यक्ति हैं, पर ये बातें कह करके नीतीश कुमार का और ज़्यादा पारा गर्म कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार माकूल सहयोग नहीं कर रही है। ये बातें अब धीरे धीरे जंगल के आग की तरफ फैलने लगी और नीतीश कुमार को ऐसा लगा कि अगर वो अपने स्टैंड पर अड़े रहते हैं तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में ये बातें जाएंगी और उससे उनको और घाटा होगा। चुनाव की तैयारियां कर रहे नीतीश कुमार के लिए ये मुश्किल वक्त हो सकता है। आपको हमने खबरों के माध्यम से बताया है कि बिहार नीति आयोग की रिपोर्ट में जिसमें विकास के मानक होते हैं उसमें फिसड्डी साबित हुआ है। इस पूरे मामले पर लगातार जिस तरह से विपक्ष सरकार पर सियासी हमले को मजबूत आधार मान रहा है इस आंकड़े को, वहीं राजद से लेकर कांग्रेस तक चरतरफा हमला कर रहे हैं, वाम दलों ने भी हमला किया है। इतना ही नहीं, कई लोगों ने जो जदयू और भाजपा में हैं उन लोगों ने भी नीतीश कुमार के अब वर्तमान परिस्थिति में उनकी सोच पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले 2-3 दिनों से लगातार ये बातें चल रही हैं, तर्कों के आधार पर इसको ठीक करने का और समझाने का प्रयास जरूर किया जा रहा है, लेकिन इस पूरे मामले में कोई माकूल जवाब किसी के पास नहीं था कि आखिर बिहार क्यों लगातार कई सालों से पिछड़ा हुआ है। रामकृपाल यादव जो कि लालू के हनुमान कहे जाते थे और संकट मोचन भी कहे जाते थे, आखिरकार बाहर आए। आपको पता होगा कि पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह से किरकिरी हो रही है सरकार की और नीतीश कुमार की, उसको लेकर के रामकृपाल यादव ने कमान संभाल लिया है। आपको बता दें कि रामकृपाल यादव ने माना है कि नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार के संदर्भ में समझाने का तरीका गलत है। उनके मुताबिक नीति आयोग ने 2 दिन पहले जो रिपोर्ट जारी किया है उस रिपोर्ट में बिहार का अंक भले ही पीछे हो लेकिन रैंकिंग पीछे हो लेकिन अंक में सुधार हुआ है। भाजपा नेता के मुताबिक 2018 में बिहार को नीति आयोग के विकास लक्ष्य इंडेक्स में 48 अंक मिला था, जबकि 21 में 4 अंक बढ़कर उसे 52 अंक मिले हैं। इस तरह से बिहार आकांक्षी राज्यों में ऊपर बढ़ करके परफॉर्मेंस करने वाले राज्यों की श्रेणी में ऊपर है। केवल बिहार, उत्तर प्रदेश और असम आकांक्षी राज्य में शामिल थे, बाकी की श्रेणी जो है उसे आप ज़्यादा ध्यान न दें, क्योंकि बिहार ने दूरगामी विकास के मानक तय किए हैं। अब रामकृपाल यादव का ये कहना और राजनीतिक विचार से भी क्या कुछ लेकर के आता है, कितना नीतीश कुमार को और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों को मजबूत करता है, ये देखने वाली बात होगी। उन्होंने कहा है कि लोग लगातार बिहार को बीमारू राज्य कहते थे, बिहार की छवि खराब करने का काम करते थे, इन सब को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने समाप्त किया है। रामकृपाल यादव ने नीति आयोग रैंकिंग को स्पष्ट करते हुए बताया है कि इसमें 49 अंक लाने वाला आकांक्षी, 50 से 64 अंक लाने वाला परफॉर्मर और 65 से 99 अंक लाने वाले राज्यों को फ्रंट रनर और 100 अंक लाने वाले राज्यों को सफलता की कैटेगरी में रखा जाता है। इसी आधार पर उन्होंने बिहार को 52 अंक के साथ परफॉर्मर स्टेट बताया है।
ये बातें बहुत लंबे समय से हो रही हैं और अब देखने वाली बात होगी कि लालू के इस हनुमान का ये तर्क कितना ज़्यादा नीतीश कुमार को बल देता है और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के संबंधों को सुधारता है। कहा तो ये जा रहा है कि रामकृपाल यादव का प्रमोशन होना है और उन्हें बिहार में कोई बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है। बहुत ही जल्द बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।